पुष्पा को रिलीज हुई काफी वक्त गुजर गया, लेकिन मूवी को देखते वक्त कई दफा ये लगा कि हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा नहीं बल्कि यश की केजीएफ चैप्टर 1 देख रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी सोने की खदान के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा में लाल चंदन की स्मगलिंग के चैप्टर 1 में रॉकी के पिता नहीं होते, वो अनाथ होता है और पुष्पा के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता है। दोनों ही गरीब होते हैं, दोनों की माँ अपने अपने तरीके से उनका पेट पालती हैं, दोनों पैसा कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए अपने इलाके के बड़े बड़े गुंडों और डॉन के यहाँ काम करते हैं। किसी के सामने वो झुकते नहीं, मतलब अपने तरीके से काम करते हैं। दोनों ही अपने अपने बॉस पर अपना पक्का विश्वास जमा देते हैं और पूरे धंधे पर काबू पा लेते हैं। कहानी खत्म होते होते वो सब के लिए खतरा बन जाते हैं। अब ऐसे में पुष्पा में लोगों को क्या खास लगा समझ नहीं आता, क्योंकि जो हम दूसरी फिल्मों में देख चुके हैं वही इस मूवी में थोड़ा और सजा कर परोसा गया है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन पर नाजायज होने का आरोप लगा था और इस बात को मूवी में बार बार इस्तेमाल किया गया था। पहले स्कूल के समय पर दिखाया गया कि कैसे उसको सरनेम के लिए बेइज्जत किया गया, फिर जब तस्करी में आया तो पुलिस उसकी इसी बात से हिम्मत तोड़ती नजर आई। मतलब मूवी में दर्शकों को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टर के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं था शायद, इसलिए उन्होंने इसे जगह जगह डाला। हालांकि ये इतना ज्यादा टची वाला सीन लगा नहीं, क्योंकि नाजायज होने वाला कॉन्सेप्ट हमने कई फिल्मों में देखा है, फील भी किया है, लेकिन पुष्पा में इस कॉन्सेप्ट के साथ जैसे जस्टिस नहीं हुआ। पुष्पा ने मूवी में एक्शन तो भरपूर किया लेकिन इमोशनल सीन करने में चूक गए। जैसे किसी मूवी के इमोशनल सीन को देख लोग रोने लग जाते हैं, वैसा इसे देखकर फील नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्लॉट पुष्पा 2 में ना हो। पुष्पा देखी है तो जरा वो सीन याद करिए जिसमें पुष्पा पुलिस से बचते हुए ट्रक उड़ाकर एक गड्ढे में गिरता है। पुष्पा जिस गड्ढे में ट्रक फेंकता है वो गड्ढा सड़क के किनारे ही होता है, तो क्या पुलिस को सड़क किनारे इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा? मान भी लेते हैं कि पुलिस को गड्ढा नहीं दिखा, लेकिन वो सड़क तो कच्ची थी और कच्ची सड़क पर ट्रक के टायर के निशान बनना तो लाजमी है, लेकिन पुष्पा को पकड़ने वाली पुलिस के पास दिमाग कम था इसलिए वो ट्रक ढूंढने का प्रयास नहीं करती, सीधा उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाती है। सोचिए, देखते हुए तालियां तो आपने खूब पीटी होंगी, लेकिन क्या इस लॉजिक पर आपने भी ध्यान दिया था? कोई लॉजिक नहीं मिला ना। खैर, हम अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि मेकर्स पुष्पा 2 में ऐसे कोई भी इलॉजिकल चीजें नहीं दिखाएं। मूवी पुष्पा देखी है तो इसका सबसे बड़ा ब्लंडर पता है? मूवी पुष्पा का सबसे बड़ा ब्लंडर उस सीन में जहां पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों को पानी में फेंकता है, इसी पर पूरी कहानी आधारित है। इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की कीमत करोड़ों रुपए है। भारत के लाल चंदन की मांग सबसे ज्यादा चीन में है। लाल चंदन एक ऐसी लकड़ी होती है जिसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी पानी में डूब जाता है। इसकी गुणवत्ता की पहचान भी ऐसे ही की जाती है, लेकिन मूवी में दिखाया जाता है कि लट्ठे के लट्ठे नदी में तैरते चले जा रहे हैं। मूवी में दिखाई गई लाल चंदन की लकड़ी फाइबर और फोम से बनी हुई होगी तभी तैरते हुए चली गई। पुष्पा 2 के सीक्वल का म्यूजिक और गाने को फाइनल किया जा चुका है। अब निर्देशक मूवी के लोकेशन फाइनल कर रहे हैं। लीड एक्टर्स के साथ सीक्वल में दिखने वाले नए चेहरों को भी फाइनल किया जा रहा है और निर्माता सीक्वल के बजट पर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी को लेकर निर्माता निर्देशकों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन उन खबरों का जरूर खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि पुष्पा द रूल के शुरू में नायिका श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना की मृत्यु हो जाएगी, जिससे पूरा फोकस पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन और आईपीएस शेखावत की टक्कर पर रखा जा सके। इस बीच मार्केट की कई बड़ी कंपनीज ने पुष्पा के साथ जुड़ने की इच्छा बताई और इन मूवी प्रमोशन को लेकर डील हो रही है। चर्चा है कि पुष्पा 2 का बजट दोगुना होकर 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वेल, अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।